कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे दोस्तों, मज़े में होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा सोलर इन्वर्टर के बारे में। ये दोस्तों UTL का सोलर इन्वर्टर है, ये 675 के VA में है, 650 कहलाता है। तो आज इसकी पूरी जानकारी देंगे दोस्तों, जुड़े रहे हमारे चैनल से, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ऐसी जो अच्छी अच्छी वीडियो हम बनाते हैं आप लोगों के लिए वो आप तक पहुँच जाया करें दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों, एक जब वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक भी कर दिया करो ताकि हमें पता लग पाए कि कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों। तो आज सोलर इन्वर्टर की पूरी जानकारी देंगे दोस्तों, वीडियो मज़ा आने वाला, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाली दोस्तों, तो जुड़े रहें साथ हमारे। तो चलिए दोस्तों, इसमें क्या फॉल्ट है, क्या इसके अंदर ऐसी क्या वजह हुई जिसकी वजह से ये दुकान पर शॉप पर आना पड़ा हमारी। तो इसे UTL का जो इन्वर्टर है, इसका स्पेयर पार्ट बहुत कमी से मिलता है दोस्तों, सिवाय कंपनी के और अलग से बहुत मुश्किल से मिलता है। तो आज इसकी जो है ना, इसकी पूरी बात बताएंगे आपको, किस तरीके से रिपेयर किया जाता है, इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये फॉल्ट आया हमारा, और कितने बोल्ट में है ये। 12 बोल्ट है, सोलर इन्वर्टर है हमारा। ये देखिए, इसमें ये अभी तक 3 साल से ऐसे ही चल रहा है बरकरार, ये अभी खुला नहीं है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी साफ़ सफ़ाई, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सफाई करने के बाद इसमें चेक करेंगे ऐसा क्या फॉल्ट आया जिसकी वजह से ये काम करना जो बंद हो गया, इसका जो वर्क है वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो पूरी जानकारी इसीलिए देंगे दोस्तों। ये देखिए आप, हमने ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ सफाई कर ली है इसकी, जो इससे डस्ट वगैरह वो अच्छे से साफ़ सफाई हो चुकी है। तो जैसे ही हम वायर लगाते हैं इसकी, तो इसमें कोई हाँ या ना का कोई जवाब नहीं देता है, इसके अंदर करंट 12 वोल्ट नहीं जा पा रहा है DC। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके DC फ्यूज। एक तो ये हमारा जो थिम्बल है हमारा, ये गल चुका है, कुछ थिम्बल की भी वजह है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, क्योंकि जो इसके DC फ्यूज हैं, इसके DC फ्यूज भी हमें ऐसे ख़राब लग रहे हैं जिसकी वजह से ये काम नहीं कर पा रहा। और ये किस वजह से फॉल्ट आया, मेन चीज़ ये है, ये किस वजह से ऐसा फॉल्ट आया, क्योंकि बहुत सारे रीज़न हैं आपके जो ये इस तरीके के फॉल्ट आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको वो चीज़ समझनी है, क्योंकि आपके घर पे भी इन्वर्टर होगा दोस्तों, तो आप इस फॉल्ट को किस तरीके से दूर करें वो उसके बारे में आज बताने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपका जो है ये इन्वर्टर है, उसको अच्छे से चेक करना है क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। उसके बाद अगर आपकी समझ में ना आए तो पहले आपके अपने जो है घर वाले बैटरी को चेक करना है कि हमारा बैटरा ठीक ठाक है या नहीं है, क्योंकि बैटरी की वजह से भी इन्वर्टर में दिक्कत आ जाती है दोस्तों। तो सबसे पहले आप जो करें, बैटरी को चेक करें अपने, क्योंकि बैटरी का जो पानी होता है, अगर पानी किसी वजह से बैटरी का सूख जाएगा वो काम नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि बैटरी में पानी होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है, क्योंकि बैटरा चार्ज भी होना चाहिए, कि अगर बैटरा डाउन है तो बिल्कुल लो में अगर बैटरी चला जाता है तो बैटरी डाउन हो जाएगी, मतलब ग्रेविटी अगर गिर जाती है तो उसकी वजह से भी इन्वर्टर हमारा काम नहीं करता है। तो उसकी वजह से भी इन्वर्टर पर छोटे मोटे फॉल्ट आते रहते हैं। तो आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपसे। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें हमारा, पूरा पूरा दिन लग जाता है वीडियो बनाने में, बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों आप लोगों के लिए, इतनी वीडियो हम बनाते हैं इतनी मेहनत करने के बाद। तो प्लीज़ दोस्तों, एक लाइक तो बनता है छोटा सा। ये DC फ्यूज हमारे ख़राब हैं, इसके DC फ्यूज हमने चेंज कर दिए हैं, इसके 40 एम्पीयर के DC फ्यूज होते हैं। अगर किसी तरीके का, इस तरीके का आपके सामने अगर फॉल्ट आता है तो आपको भी इसी प्रकार से जो काम कर लेना, बाकी आपका जो इन्वर्टर है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमने DC फ्यूज इसके चेंज करने के बाद ये इन्वर्टर हो चुका है हमारा ऑन। तो चलिए दोस्तों, अभी इसकी मेन चेक करते हैं हम। ये हमने मेन प्लग लगाया, अब इसकी चार्जिंग चेक करेंगे कि चार्जिंग की क्या पोजीशन है। स्विच ऑफ करने के बाद हमारा 0 हो गया मीटर। अब आती है इसकी चार्जिंग की बारी, क्योंकि चार्जिंग मेन होती है इन्वर्टर की, अगर चार्जिंग इन्वर्टर नहीं करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है इन्वर्टर का। तो सबसे पहले हम चार्जिंग चेक करेंगे इसकी। ये देखिए आप, चार्जिंग आ चुकी है हमारी, 18 एम्पीयर निकल रही है चार्जिंग, इन्वर्टर हमारा ओके है। तो इसमें जो फॉल्ट आया वो बैटरी की वजह से, हमने बैटरा चेक किया उसके अंदर पानी नहीं था, बिल्कुल सूखा हुआ था ये बैटरा, क्योंकि सबसे पहले हमने बैटरी पे पानी डाला उसके बाद भी इन्वर्टर ऑन नहीं हुआ। तो हमने सोलर पैनल के जो वायर हैं डायरेक्ट लगा दिए बैटरी पे, 15 से 20 मिनट तक हमने वायर लगा के रखे तो बैटरी में जान पड़ी है, करंट आने लगा है। उसके बाद हमने इसमें सोलर वाले जो कनेक्शन थे हमने कर दिए इसके, उसके बाद इन्वर्टर हमारा ओके हो गया दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, आते रहेंगे अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आपके लिए दोस्तों, तो जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हमारे सहयोग करते रहिए दोस्तों, इसी प्रकार से आप हमारा साथ देते रहेंगे तो हम भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे, अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहा करेंगे दोस्तों।
तो ये सोलर इन्वर्टर के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। अगर किसी तरह का कोई फॉल्ट आता है, आप अपने घर पर भी सोलर इन्वर्टर अगर आपके घर पर लगा हुआ है, तो हमारी वीडियो देखने के बाद अपना सोलर इन्वर्टर अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर में छोटे मोटे फॉल्ट आते हैं। अगर किसी वजह से बड़ा फॉल्ट आता है तो आपके हाथ में नहीं है, वो मिस्त्री लोग ही रिपेयर कर पाएंगे। तो छोटे मोटे फॉल्ट ज़्यादा आते हैं, तो आपको छोटे मोटे फॉल्ट बेहतर बनाने के लिए हम वीडियो बनाते हैं दोस्तों। क्योंकि हर फॉल्ट ज़रूरी नहीं है, हर बार बड़ा फॉल्ट आएगा छोटा मोटा फॉल्ट आ जाता है, जैसे बैटरी में पानी या इन्वर्टर का कुछ फ्यूज वगैरह छोटा मोटा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ख्याल रखें अपना, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।